किसी का चुनाव पिछले कुछ दिन पहले अनाउंस किया है और जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई तो हमने हर स्टेज पर जो हमारा फर्ज भी बनता था और हमारा राइट भी बनता था वैसे एक नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने उन सारे जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे उसमें जो लग्यूनास थे हमने टाइम टू टाइम हुकूमत तक वो पहुंचाने की कोशिश की। सारी कंसल्टेशन जिसमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीवीसी उन्होंने किया है, तो हमने उसमें जो पॉपुलेशन का अनइवन सिस्टम उन्होंने बना दिया, कहीं तो उन्होंने 40,000 वोटों पर सेगमेंट बनाया, कहीं 1400 वोटों पर बनाया। तो जो पहले भी एक आवाज़ थी रियासत में कि असम्बलीज को लेकर अनइवन सिस्टम है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी लोगों को महसूस हो रहा था और तब शायद हम लोगों को ज़्यादा कसूरवार बनाया जाता था ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी में। मगर आज जब भाजपा ने अपने टाइम में एक सिलसिला शुरू किया तो उसमें आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ जम्मू रूरल 8 असेंबली सेगमेंट्स पर मुनसिर है उसको भी 14 सेगमेंट दिए और सांबा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ही है वो 2 असेंबली सेगमेंट पर है उसमें समझो 1.5 लाख वोट है, तो 1.5 लाख वोटों को भी 14 बना दिए और 5,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी बन दी। और रियासत में कुछ ज़िले ऐसे भी हैं कि जहां पर मात्र एक पंचायत पर इन्होंने एक डीडीसी की सीट निकाली है और एक पंचायत का वोट मैक्सिमम 1500-1600 होता है। तो जब वो चीज़ें हमने देखी तो हमने एतराज़ खड़े किए और कई जगह पर इन्होंने अपने खैर खाम से सलाह मशवरा लेकर एरियाज को तोड़फोड़ किया जो जोग्राफिकली एक कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्मली दिखती नहीं, तो उस पर एतराज़ किए। फिर रिजर्वेशन जो ऑलरेडी 1989 की हमारी पंचायत एक्ट के अमेंडमेंट के मुताबिक राजीव गांधी जी ने उस वक्त एक सपना बनाया था कि इसमें महिलाओं को रिजर्वेशन हो, एससीज को हो, एसटीज को हो, और वो सारी चीज़ें जब इन्होंने यहाँ डिज़ाइन किया एक ज़िले का फॉर्मेट दूसरे ज़िले के साथ मिलता ही नहीं, किसी ने 1, 4, 7, 10, 11 के हिसाब से वो सीटें निकाली, किसी ने 3, 8, 12 और 17 के हिसाब से निकाली। तो उस पर भी हमने जब बात उठाई तो सरकार ने कोई जवाब खातिर खत नहीं दिया। और दूसरा, आप भी इतने सालों से देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में जब जमहूरी निज़ाम और ये चुनावी प्रक्रिया शुरू होती है वो चाहे सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट का चुनाव होता है या स्टेटों में कोई चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त सबसे बड़ी अथॉरिटी होता है। स्टेट्स को कंसेंट जरूर देते हैं मगर इलेक्शन परफॉर्म करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है, तो वो उस वक्त न्यूट्रल होकर के तमाम पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की बैठकें करता है और उनको भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करता है, जो भी उनके खदशात होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन सुनता है, जितना मुमकिन हो सके उसको एड्रेस करता है। यहाँ आपने देखा पर्सनल नोटिफिकेशन इशू होने, फाइनल नोटिफिकेशन इशू होने के बाद तक कोई भी पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज का कोई भी बैठक इलेक्शन कमीशन इस चुनाव के सिलसिले में नहीं कर पा रहा। हम मानते हैं कि ये चुनाव अगर असेंबली चुनाव ये कई रीजनों से कहा कि अभी नहीं हो सकता है अभी डेफर कर रहे हैं, जिसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की ज़बरदस्त नज़र है क्योंकि 2 साल अब होने जा रहे हैं कि जब रियासत में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, तो रियासती आवाम की नज़र थी कि ये सरकार असेंबली चुनाव पहले कराएगी और असेंबली में मात्र 7 सीटें क्रिएट करनी है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक, तो 7 सीटें क्रिएट करने में ये अभी तक 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया उसको तो कर नहीं पाए, मगर 280 सीटें क्रिएट करने में इन्होंने 24 घंटे लगा दिए। और अगर ये 280 सीटें क्रिएट करने में 24 घंटे ही लग गए तो 7 सीटें भी किए जा सकते थे, और हमारा ये मानना था कि अगर ज़िला पंचायत के इतने बड़े चुनाव के साथ में अगर असेंबली भी साथ में होता तो शायद लोगों के जो
जज्बात थे, लोगों के जो ख्वाहिशात थे वो भी उसमें साथ साथ एड्रेस हो सकते। और लास्ट और फाइनल जो हमने सवाल उठाया, हमने आज ही सुबह एक हाई लेवल टीम इलेक्शन कमिश्नर के पास भेजा, अपनी जो हमारे कंसर्न्स थे हमने उन तक के बाजार तक पहुंचा दिया। मेरी कल रात में भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने एश्योर तो कर दिया कि आप हमारे पास भेज दीजिए क्या क्या मामला है, हम उनको देखेंगे। अब उनके हाथ में तो ज़्यादा रहा नहीं, मगर एक चीज़ अभी भी है, इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है। जब इन्होंने पंचायतों का चुनाव किया तो उस वक्त कहा कि हमने 100% चुनाव किया, चिड़िया नहीं मरी, मगर अब दो साल के बाद दिखा है कि 13,000 वैकेंसीज खाली थी। जब हमने तब कहा था कि ग्राउंड पर सिचुएशन मुनासिब नहीं है तो उस वक्त आम में धूल झोंक करके उन्होंने देश को दूसरे तरीके से गुमराह किया कि 100% चुनाव। जो DTC का इलेक्शन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ अनाउंसमेंट की है, उसको देखकर कांग्रेस पार्टी में हमने तमाम रियासती लीडर्स से बात की है, तमाम खतों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, और कंसर्न सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो कई चीज़ों पर थी वो सरकार ने एड्रेस नहीं की, मगर सबसे बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी का था ज़मीनी सतह पर। तो हमने उसको लेकर अभी तक दो बार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से बात की कि प्रोसीजर में उसको पार्टीज़ को बुलाना चाहिए था पहले, अनाउंस करने से पहले, उसने नहीं किया। और हमने जब ज़बरदस्त तरीके से उनको ये कंसर्न बताया कि पीछे भी आप लोगों ने वाहवाही लूटी मगर 13,000 वैकेंसीज पर चुनाव हो नहीं पाए, आज आप इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लगा रहे हो ज़िला पंचायत का और ये जो पंच और सरपंच और म्यूनसिपलिटीज़ का, तो उसमें नेटवर्क बहुत लंबा है और उसमें सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा, और आपको सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं उनको यकसान तरीके से देखना चाहिए। उन्होंने एक एश्योरेंस कल रात को भी दी और आज भी हमारे एक मेमोरेंडम उनको चला गया, उन्होंने कहा हम एड्रेस करेंगे। उस एश्योरेंस के साथ में कांग्रेस पार्टी ने, स्टेट यूनिट ने ये तय किया है कि हम जिला पंचायत चुनाव में भरपूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये हमारा ड्रीम रहा है, ये हमारे नेता राजीव गांधी का और हमारे नौजवान लीडर राहुल गांधी जी का ज़बरदस्त ड्रीम रहा है कि 3-tier सिस्टम लोगों को मिले, लोगों को डेवलपमेंट करने का डोर स्टेप पर एक चांस मिले, तो ये उसका एक हिस्सा है, ये हमारी पॉलिसी थी और हमारा प्रोग्राम था। तो हम उसमें लोगों को अड़चन नहीं बनना चाहते, जो नौजवान लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उससे एक लीडरशिप भी उभरेगी और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कल खिदमत करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी सरकार के इस एश्योरेंस के साथ में कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे, तो हमने फैसला लिया कि हम इन चुनावों में भरपूर हिस्सेदारी लेंगे और हम किसी तरह से भी भाजपा की गलत पॉलिसीज़ को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। खासकर जो रिसेंटली उन्होंने लैंड अमेंडमेंट लाई है उसको लेकर जम्मू कश्मीर इस वक्त एक है, तमाम लाइक माइंडेड सोच एक हो सकते हैं और हम उनको ये लैंड अमेंडमेंट एक्ट रोल बैक करने पर मजबूर करेंगे। अगर हमारी नहीं मानेंगे तो इन चुनावों के ज़रिए से जनता इस पर फैसला करेगी कि इनको ये लैंड अमेंडमेंट वापस करनी चाहिए, यह हमारा मेन मुद्दा चुनाव में रहेगा।